दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे सरकारी आरा मील चाथम। यह भारत में ही नहीं बल्कि पूरे एशिया में लकड़ी काटने का सबसे बड़ा चीरखाना है। यह अंडमान और निकोबार के पोर्ट ब्लेयर द्वीप पर स्थित है। यह अंडमान से 11 किलोमीटर लगभग 100 मीटर का पुल क्रॉस करके यह मील है। मात्र 10 रुपए की टिकट एवं आपको अगर गाइड की सहायता चाहिए तो 50 रुपए के शुल्क से गाइड को हायर कर सकते हैं। इस मील का इतिहास भी बड़ा दिलचस्प रहा है। निर्माण कार्य के लिए लकड़ी की स्थानीय आवश्यकता को पूरा करने के उद्देश्य से चाथम सामील का निर्माण 1883 में ब्रिटिश उपनिषद शासन द्वारा किया गया था। बाद में अंग्रेजों ने लंदन, न्यूयॉर्क और कई शहरों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बड़ी मात्रा में लकड़ी का निर्यात करना शुरू कर दिया। इसका प्रमुख आकर्षण का केंद्र जो कि वन संग्रहालय है। पर्यावरण एवं वन विभाग ने सितंबर 2006 में मील परिसर में एक आधुनिक संग्रहालय की स्थापना की। संग्रहालय ऐतिहासिक महत्व की सुंदर तस्वीरों के साथ साथ पर्यावरण और वन समन्वय कामकाज के बारे में भी प्रदर्शित करता है। यह लकड़ी पर स्मृति चिन्ह, विभिन्न प्रकार की हस्तशिल्प, डिजाइन, उत्पादन जटिलता, पॉलिशिंग, डिजाइनिंग, कुशल शिल्पकला का उत्कृष्ट नमूना भी पेश करता है। और यह संग्रहालय चैथम द्वीप के इतिहास, उसकी महत्वपूर्ण जानकारी, जैविक विविधता, लकड़ियों के प्रकार, लकड़ियों पर नक्काशी जो कि भारतीय शिल्पकला का उत्कृष्ट कौशल दिखाता है। मील के अंदर का संग्रहालय पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है। क्या सजावटी लकड़ी बहुत ही आकर्षक होती है।
देखियो सिंगल पीस है ये, कितना छोटा है। जापानियों के शासनकाल में तृतीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 में जापानियों ने भारी बम वर्षा की और मिल को नष्ट कर दिया, जिसमें कई श्रमिकों की मौत हो गई। बाद में 1945 के बाद जापानियों ने द्वीप पर कब्जा कर लिया और मिल को फिर से पुनर्जीवित किया। 1950 और 60 के दशक में श्रीलंका, पूर्वी पाकिस्तान, बर्मा और भारत के विभिन्न राज्यों के लोग द्वीप पर बस गए, जिससे कि लकड़ी की आवश्यकता बढ़ गई और परिणाम स्वरूप 3400 मील का पुनर्जीवन हुआ। अब इसमें संगमरमर, पड़ाग, गर्जुन, साटन, सागवान आदि सहित विभिन्न प्रकार की लकड़ियों का एक बड़ा स्टोरेज हाउस है। मील सरकारी और निजी एजेंसियों को कम कीमत पर लकड़ी प्रदान करती है और यह लकड़ी फर्नीचर, हस्तशिल्प आदि के लिए उपयुक्त में लाई जाती है। विभाग के इस मील के अंतर्गत अन्य इकाइयां है कंस्ट्रक्शन यूनिट, मैकेनिकल यूनिट, डायरेक्टिंग यूनिट, इलेक्ट्रिक डिस्पेंसरी, कैंटीन और सुरक्षा आदि है। इस मील का इतिहास भी बड़ा दिलचस्प रहा है। 1883 में ब्रिटिश उपनिषद द्वारा स्थापित इस मील को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान 1942 में जापानियों ने बमबारी की और इस मील को नष्ट कर दिया, जिसमें कई श्रमिकों की मौत हो गई। बाद में 1945 के बाद जापानियों ने द्वीप पर कब्जा कर लिया और मील को फिर से पुनर्जीवित किया गया। 1950 और 1960 के दशक के दौरान श्रीलंका, पूर्वी पाकिस्तान, बर्मा, भारत के विभिन्न राज्यों के लोग द्वीप पर बस गए और इससे लकड़ी और लकड़ी की आवश्यकता और बढ़ गई, जिसके परिणाम स्वरूप 3400 मील का पुनर्जीवन हुआ। तब इसमें संगमरमर, पड़ाग, गुर्जर और साटन की लकड़ी सहित विभिन्न प्रकार की लकड़ी के लिए एक मील बड़ा स्टोर हाउस भी के रूप में भी परिवर्तित हो चुका है। मील में तीन पारियों में सालाना 20,000 सैलाव काटने की क्षमता स्थापित है। द्वीपों के सभी प्रमुख लकड़ी के पेड़ मील के कच्चे माल के रूप में उपयोग किए जाते हैं। मील सरकारी और निजी एजेंसियों के लिए मध्यम कीमत पर यानी कम कीमत पर लकड़ी के मुख्य स्रोत के रूप में कार्य कर रही है। यह मील फर्नीचर और हस्तशिल्प बनाने के लिए उपयुक्त कई प्रकार की सजावटी लकड़ी का उत्पादन करती है। इस मील में वर्तमान में लगभग 800 व्यक्तियों को रोजगार मिलता है। मील के कामकाज का श्रेय विभिन्न वर्गों को दिया जाता है, जो समन्वय स्थापित कर लकड़ी की गोल कटिंग, आकार बदलने, फर्नीचर बनाने एवं कच्चा माल का उत्पादन करने का काम करती है। इस मील के अन्य इकाइयां कंस्ट्रक्शन यूनिट, मैकेनिकल यूनिट, डायरेक्टिंग यूनिट, इलेक्ट्रिक यूनिट, डिस्पेंसरी, कैंटीन और सुरक्षा आदि भी इसी मील में स्थापित किए गए हैं। इस मील के अंदर ही एक जापानी बंकर भी बनाया गया है, जो कि आकर्षण का मुख्य केंद्र भी है।
फर्नीचर को बहुत महंगा बिकता है। अच्छा 3 बजे तक चलता है यहाँ पे, फिर बंद हो जाता है। 3:15 हो गए, ये कटिंग कर लेते हैं ना मशीन, तो मशीन पहले बंद कर दी होगी, तो देख लेते हैं। सागवान की देखो कितनी अच्छी लकड़ी है ये कहाँ से आती है लकड़ी? लकड़ी जंगल एरिया से, जंगल भारत की होती होगी। सागवान की टेकवुड तो सागवान को ही बोलते हैं। ये रीना, ये सारी सागवान की लकड़ी है, कितनी बढ़िया लकड़ी है। ये पीला वाला सागवान है, ये पड़ाक की लकड़ी काफी मजबूत होती है शायद, है ना? दाम पड़ाक का ज्यादा है सागवान से। ये है सागवान, वो तो पॉलिश होती है ना, इनसे जब रेशा निकलता है इसका। मेरे ख्याल से दीमक भी नहीं लगता उस वाली लकड़ी में, पड़ाक में। तो पड़ाक की दिखाना सर, वेट में भी फर्क है, वेट भी हैवी हैवी होता है। पड़ाक की देख कितनी भारी है, सागवान हल्की होती है, लेकिन वो है रेशा होता है ना उसमें, सागवान में रेशे की वजह से महंगी है। पड़ाक महंगी रहती है, सागवान महंगा रहती है, चौखट महंगी है, एक ही रेट है, चौखट के काम आती है। बांट लेंगे।